YouTube family, assalamu alaikum. Welcome back to my channel. It's me, Sadia. If you're new here, so welcome to my channel. And if you're returning subscribers, so welcome back to my channel. And if you just clicked to my channel and didn't subscribe yet, please take a moment and subscribe to my channel. So aaj ki jo video hai, aapke saath main share karne lagi hoon ek review jo ke hoga eyebrows ke upar. As you know guys, coronavirus ki wajah se salons jo hain closed hain. We cannot go outside, we cannot make eyebrows. तो उस चीज के लिए जो है मैंने अमेजोन से एक प्रोडक्ट बाय किया है जो कि जानते होंगे आपके वो क्या है, एक आईब्रोज पेन है जो कि पेनलेस है और काफी अच्छा जो है. इसका मैंने रिव्यूज देखे थे तभी मैंने वो बाय की और सोचा कि उन्हें ट्राई किया जाए. जिस तरह से मुझे नहीं पता आईब्रोज कैसे बनाते हैं एंड सीरियसली मुझे जो है ना थ्रेडिंग से काफी पेन होती है. मेरी स्किन जो है सेंसिटिव है, रेड हो जाती है अगर मैं थ्रेड से करूँ तो. मैं ज्यादातर वैक्स ही यूज करती हूँ. तो आज जो है मैं आपके साथ उसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ. यहाँ पे जो है मेरे पास ये मशीन है जो मैं ऑलरेडी यूज कर चुकी हूँ और ये जो है न्यू परफेक्ट आईब्रोज है जो कि परफेक्ट फॉर आईब्रोज है. 18 कैरेट गोल्ड प्लेटेड है ये और ये जो है जेंटल यूज है, काफी इजिली आपके जो हेयर्स हैं इसको रिमूव करते हैं. पेन बिल्कुल भी नहीं होता है, इससे बिल्कुल भी पेन नहीं होता है. और पहली इसकी जो बेस्ट चीज मुझे अच्छी लगी है वो ये कि बहुत इजीली ये रिमूव होता है. इसके ब्लेड जो है ना काफी स्ट्रांग है, काफी जबरदस्त है. आप वीडियो में देखिएगा मैंने जो यूज किया, आपको उसकी नॉइज जरूर हेयर अप करेंगे. ओके, सो मैं इसकी पैकेजिंग के बारे में बात कर दूं. मैं जैसे पहले बता चुकी हूँ, अभी ही मैंने इसको ओपन किया है एंड ये कुछ इस तरह से है. इसका बॉक्स है, कार्डबोर्ड है, काफी स्ट्रांग है और इसके साथ जो है आता है एक ब्रश जो कि ये है ब्रश और ये जो है क्लीनिंग ब्रश है. जो है इसका क्लीनिंग ब्रश है जो कि है इस तरह से छोटा सा क्यूट सा टाइनी सा ये है और साथ में जो है इसके ये वाला है पैकेज जो है ना हमारी ये वाला मशीन है. इस तरह से है, आप देख सकते हैं इसका ये बटन है कुछ इस तरह से. इसको आप करेंगे तो आपको आवाज आ जाएगी. मैंने इसको ये ओपन नहीं किया है. सो ये बटन है इसका, इसको आप प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाएगी मशीन हमारी. ओके, मैं इसको एक चीज ये भी बता दूं कि ये जो है ये बैटरी से यूज होती है, इसमें यूएसबी वगैरह का कुछ नहीं है. ये बाय किया था मैंने 1699 का फ्रॉम अमेजोन. सॉरी आवाज याद ही होंगी, पीछे बच्चे हैं मेरे शोर कर रहे हैं. सो 1699 का जो है ये आया है, मुझे मिला है. और आजकल जैसे आपको पता है कि कोरोना वायरस की वजह से शिपिंग जो है डिले हो रही है. डजंट मैटर आप प्राइम मेंबर हो अमेजोन के कि नहीं. मैं यूजली जो है मोस्ट ऑफ चीजें जो है ना अपनी अमेजोन से बाय करती हूँ. रीजन उसका ये है कि रीजनेबल प्राइजेस में आपको मिल जाती हैं चीजें एंड टू डेज की शिपिंग एंड हैंडलिंग होती है. क्योंकि मैं प्राइम मेंबर हूं तो मुझे उसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं. प्लस जो है अभी जैसे कि कोरोना वायरस की वजह से वो लोग कह रहे हैं कि डिले हो जाती है, लेकिन इतनी भी डिले नहीं होती है. लाइक जैसे अगर आपको टू डेज की शिपिंग का होता है, वो प्रॉमिस करते हैं, तो आपको फोर टू फाइव डेज में आपको मिल जाती है. सो इट्स नॉट बैड फॉर मी. तो मुझे जो है उनकी सर्विसेज काफी अच्छी लगती है अमेजोन की. एनीवेज बैक टू द वीडियो. सो ये जो है इस तरह का है, आप इसको ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आपको ये मिलेगी मशीन और इसको ओपन आपने करना है यहां से. यहां से आप ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से है. इसका ये टूल है जो कि ब्लेड है, ठीक है. यहां पे आप देखेंगे अगर आप जितने भी आप हेयर रिमूव करते हैं तो वो इसके अंदर आ जाते हैं. इसको आपने ब्रश की हेल्प से क्लीन करना है एंड ये इसके डबल साइडेड ब्लेड है. ये आप देख सकते हैं ब्लेड इसके काफी ज्यादा जबरदस्त ब्लेड हैं, काफी तेज इसके ब्लेड हैं. तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं कि जब आप इसको करेंगे, क्लीन करना होगा तो आपने इसको ओपन किया और इस तरह से आपने इसको क्लीन कर दिया, ठीक है. जैसे मैं अभी यूज कर चुकी हूं तो मैं जो हूं इसको क्लीन करूंगी. सो मैंने इसको क्लीन करना है, ठीक है. तो यहां पे मैंने इसको क्लीन कर दिया है और इसको अगेन हमने इसको ऐसे वापस रखा है इसके अंदर. ये है इस तरह से, मैं आपको अगेन दिखा देती हूँ. ये इसके अंदर है और हमने इसको ऐसे डाला, ठीक है. ये हमने इसके अंदर कर दिया एंड देन इसको इस तरह से किया और ट्विस्ट कर दिया, ठीक है. ट्विस्ट करने के बाद आपने इसकी कैप को बंद कर देना है, वापस कैप के अंदर रखना है और रख देना है जब आप यूज कर लें. सो मैं आपको साथ साथ शेयर करूंगी कि ये किस तरह से है, किस तरह से वर्क होता है, किस तरह से इसने आईब्रोज क्लीन की है. अब इस वीडियो में है
यहाँ पे जो है मैंने इसको किया है ओपन, और इसके बटन को हमने प्रेस करना है और साथ ही अपनी आईब्रोज भी बनानी शुरू करनी है। अच्छा, मैं जो हूँ यहाँ पे इसका जो डेमो है ना, बहुत थोड़ा सा दूंगी, ज़्यादा नहीं दूंगी क्योंकि मैं नहीं चाहती एंड नाउ वीडियो मैं लॉन्ग यहाँ पे हो। सेकंड हेयर्स को भी कर रही हूँ रिमूव। बहुत इजीली जो है ना ये रिमूव हो रहा है, इतना मुझे इसमें जो है ना पेन महसूस नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप इसकी नॉइज़ सुनेगा, इसके किस तरह से इसकी आवाज़ आ रही है, ये यानी कि हेयर बहुत अच्छे से कम्प्लीटली क्लीन कर रहा है, मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं हुई थी। अच्छा, आप थोड़ा मेक श्योर कीजिएगा कि आप जब इसको करें तो ज़्यादा ये ना हो कि आपकी आईब्रोज फ़ौरन के फ़ौरन ही उड़ जाएं, और आप उसको जब आईब्रोज बना रहे होंगे तो जेंटल हाथ रखिएगा, क्योंकि ये जो है ना काफ़ी अच्छे तरीके से आपके हेयर्स के जो हैं आईब्रोज के हेयर्स हैं काफ़ी अच्छे तरीके से रिमूव करती है, और काफ़ी फास्ट है इसका जो ब्लेड है ना, काफ़ी अच्छे तरीके से ये वर्क करता है। ओके, मैं यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ कि जब आप इसको कर रहे होंगे, आईब्रोज बना रहे होंगे इस पेन की हेल्प से, तो आपने क्या करना है कि इसको जो इसकी जो नोब है उसको आपने बहुत जो है ना वो उसको प्रेस करना है, यानी लाइटली हैंड से जो है ना उसको आपने प्रेस करना है ताकि जितने भी हेयर्स हैं वो उसके अंदर आ जाएं। गाइस, यहाँ पे जो है ना लाइट थोड़ी सी तेज़ हो गई थी तो आई थिंक आप लोगों को शायद नज़र ना आए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो है कुछ भी फॉरवर्ड नहीं किया है, इस वीडियो को स्पीड में नहीं किया है, इस वजह से मैंने नहीं किया क्योंकि मैं चाह रही थी कि आप लोगों को समझ में आ जाए कि मैं किस तरह से कर रही हूँ। अपनी आईब्रोज की शेप के हिसाब से आप जो है इसको करिएगा, काफ़ी ये अच्छी मशीन है और उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जिन लोगों को नहीं पता कि आईब्रोज़ कैसे बनाई जाती है, और लिटिल बिट जो है ये काफ़ी काफ़ी जो है ना हेल्पफुल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो है अपनी दोनों आईब्रोज डन कर ली हैं, काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन हुई तो है गाइस ये यहाँ पे आप देख हमारी सकते हैं कि आईब्रोज। आईब्रोज जो है ना इसने काफ़ी अच्छे तरीके से मेरी क्लीन की है। मैंने जो है ना ऑलरेडी ये यूज़ कर चुकी थी और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे उसने क्लीन किया। मुझे कुछ भी इस तरह का इशू नहीं हुआ है कि आईब्रोज जब ये मैं बना रही थी, और मुझे काफ़ी जो है ना ये अच्छा लगा है। ये जो है पेनलेस है, पेन फ्री है, आपको इससे कोई पेन नहीं होगी। आप इसको ले सकते हो, यूज़ कर सकते हो, हैंडी है, कहीं पर भी आप साइड जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो तो उनके लिए भी बेस्ट है, और स्पेशली उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनको आईब्रोज बनानी नहीं आती और जो टाइम नहीं है आईब्रोज बनाने के लिए आउटसाइड जाने के लिए। सो वो ये यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा जो है ना ये अच्छा है पैक ये वाला आईब्रोज पेन, ठीक है। सो या दैट्स ऑल गाइज, एंड आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आप आने वाली कोई भी मेरी वीडियो को मिस आउट ना कर सकें। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन अल्लाह हाफिज, बाय बाय। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, एंड कमिंग सून मेरी जो है ना वीडियो आ रही है, जो क्योंकि ईद ट्यूटोरियल पे, ईद मेकअप के लिए। मे भी मैं आपको 3 डेज का ईद मेकअप करके दिखाऊँ या 2 डेज का, कुछ पता नहीं है, क्योंकि जैसे पता है बिजी हुए हैं हम लोग और टाइम नहीं होता है। सो मैं इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ब्यूटी टिप्स एंड ट्रिक्स। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।